भूमि पर पदार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, और इसी क्रम में अनुरोध करते हुए सर्वप्रथम हमारे मंडलायुक्त महोदय जी से कि अपने कर कमलों से एक छोटी सी भेंट स्वरूप उपहार देकर यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। परमादरणीय श्रद्धेय माननीय मंडलायुक्त महोदय श्री इजाज शेखर जी, भेंट करते हुए एक बार जोरदार तालियां, स्वागत सत्कार, छोटी सी भेंट स्वरूप उपहार प्रदान करते हुए इसी क्रम में अनुरोध करते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय जी और पुलिस अधीक्षक महोदय जी से कि अपने कर कमलों से इसी तरीके का स्वागत सत्कार करें। और आइए कार्यक्रम का शुभारंभ भी प्रज्वलन से और स्वागत सत्कार के पश्चात उद्बोधन हेतु स्वागत उद्बोधन हेतु साधारण अपील करते हुए परमादरणीय माननीय विधायक दिव्यापुर, माननीय राज्य मंत्री कृषि कृषि शिक्षा अनुसंधान उत्तर प्रदेश श्री लाखन सिंह राजपूत जी से अपने स्वागत उद्बोधन के साथ हम सभी को अनुरोध करें। तालियों के माध्यम से अभिनंदन। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, ममता सिंह, प्रदेश के वित्त मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी, ममता सिंह इटावा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामशंकर कठेरिया जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय बहन गीता शास्त्री जी, हमारे क्षेत्रीय कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मानवेंद्र सिंह जी, हमारे जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय कमल दोहरे जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री राम मिश्रा जी, ममता सिंह, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और हमारे समक्ष उपस्थित सभी इस दीपावली के अवसर पर आज भैया दूज और दीपावली के अवसर पर इतनी भारी संख्या में सभी लोग उपस्थित हुए, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से, प्रधानमंत्री जी की कृपा से आज हमारे जनपद में 280 करोड़ रुपए की लागत से एक राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होने वाला है और मैं समझता हूं कि औरैया जनपद के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, बल्कि 10 परियोजनाओं का लोकार्पण भी होने वाला है। इसके बाद बृहद गौ संरक्षण केंद्र रजुआ मऊ का भी आज शिलान्यास होने वाला है और 59 मार्गों का निर्माण का भी आज शिलान्यास होने वाला है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 50 सैया नेत्र चिकित्सालय का निर्माण जिसका लोकार्पण होना है, जनपद औरैया के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भगवतीपुर में ट्रामा सेंटर के भवन का निर्माण भी होने वाला है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बघुआ का निर्माण, 50 सैया मैटरनिटी विंग बिघूना का निर्माण, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत किसान कल्याण केंद्र भाग्यनगर, अग्निशमन केंद्र बिघूना जनपद औरैया में अनावासीय और आवासीय भवन का निर्माण, जनपद औरैया में ग्राम डोंडापुर के अरिंद नदी पर लघु क्षेत्र पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग, कुल 184 पंचायत भवन का निर्माण, कुल 415 सामुदायिक शौचालय का निर्माण और 284 मार्गों का निर्माण होने जा रहा है।
इसके अतिरिक्त भी हमारे जनपद औरैया में माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हमारे जो जुडिशरी की बिल्डिंग नहीं थी, आज 95% भूमि अधिग्रहण का काम उसका पूरा हो गया है। न्याय भवन का भी जल्दी ही निर्माण शुरू होने वाला है। 95% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। इस प्रकार से हमारे पूरे जनपद में कितना विकास, एक बस अड्डे का निर्माण लगभग 80% उसका निर्माण पूरा हो चुका है और बेला से लेके शेरगढ़ घाट तक 4 लाइन छूटा हुआ था। मैंने प्रस्तावित किया था, डीपीआर उसका बन के शासन में पहुंच गया है। स्वीकृत मिलने के बाद ये भी आपका काम जल्दी होने वाला है। इसके बाद ये बाईपास दिव्यापुर में जो जाम की व्यवस्था रहती थी, जाम की बड़ी अव्यवस्था थी, ये बाईपास मेडिकल कॉलेज होते हुए इसका भी डीपीआर बन के पहुंच गया है। हमारे जनपद औरैया में मैं समझता हूं कि रेलवे का ओवरब्रिज बनके बाईपास भी बनने जा रहा है और पाता का रेलवे का ओवरब्रिज बनके तैयार हो चुका है। मैंने उसका शिलान्यास किया था। इस प्रकार से बड़ी बृहद कार्य योजनाएं औरैया में माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से आज संपन्न हो रही हैं। मैं उनका औरैया जनपद में पूरे औरैया जनपद की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों ने इस दीपावली के शुभ अवसर पर, आज भैया दूज के शुभ अवसर पर इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। क्योंकि अभी कई वक्ता हैं इसलिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहते हुए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय विधायक दिव्यापुर, माननीय राज्यमंत्री कृषि कृषि शिक्षा अनुसंधान उत्तर प्रदेश परमालानी श्री लाखन सिंह राजपूत जी, अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध कर रहे थे।